जो नाम अब करना है शुरू ना, वो नाम है सिमिलैरिटी, सिमिलर। अब सोचो आप लोग कभी किसी फोटोशॉप पे गए, क्लियर है, आप लोग कहीं पे गए और आप लोगों ने वहां पे एक स्टूडियो पे गए, आप लोगों ने अपनी पिक्चर खिंचाई, तो जो आपकी पिक्चर आई वो हमें समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली हमारी ही कॉपी है, बिल्कुल हमारे सिमिलर है, बस क्लियर है कि साइज का फर्क है, हर एंगल सेम है, क्लियर है, एवरी स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम बट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। तो जो हमारी पिक्चर है वो एक्चुअली एग्जैक्टली हमारे सिमिलर है, जो हमारी पिक्चर है वो एग्जैक्टली हमारे सिमिलर है। सिमिलर को सोचो जैसे किसी बड़ी चीज को छोटा कर दिया गया इन इक्वल प्रोपोर्शन, या फिर छोटी चीज को बड़ा कर दिया गया, छोटी चीज को एग्जैक्टली बड़ा करा गया, तो क्लियर है कोई और चेंज नहीं, हर एंगल हर प्रोपोर्शन अभी भी सेम हो, तो उस चीज को कहते हैं कि वो पहले वाले के सिमिलर है। तो उसी सिमिलैरिटी का जो हिस्सा हम फेस करने वाले हैं इस टॉपिक में वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए, अब क्लियर है किसी भी अगर और शेप में देखें, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, किसी ने क्या करा कि इसी को मैग्निफाई करा, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो इसकी ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर बी है, तो इसी की हमने हर साइड को मान लो के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये साइड के ए हो जाएगी, ये साइड के बी हो जाएगी, बाकी भी क्लियर है के ए और के बी हो जाएंगी। जो एंगल ये वाला है वो यही रहेगा एंगल वन, ये एंगल टू तो ये भी एंगल टू, ये एंगल थ्री तो ये एंगल भी थ्री, ये एंगल भी फोर और ये एंगल भी फोर, क्लियर है, एंगल्स विल रिमेन द सेम, वही चीज तो एक्चुअली बड़ी हुई, बस जो साइज है वो अब किसी और प्रोपोर्शन में आ गया। तो हमें क्लियरली दिखता है कि अगर एक चीज एग्जैक्टली ग्रो करेगी तो क्लियर है कि ऑब्वियसली जो बीच के एंगल्स होंगे वो तो सेम रहेंगे, बस साइज क्लियर है कि अपने आप में किसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो क्या हम लोग क्लियरली दिखते हैं कि जो रेशियो ऑफ साइड है वो इस केस में भी ए इज टू बी है, और के ए इज टू के बी भी अगर करो तो जो रेशियो आ रहा है वो अभी भी ए इज टू बी ही आ रहा है, के अपॉन के बी करो के कैंसिल हो गया, वो आ गया ए इज टू बी, हमें क्लियरली ये समझ होती है। यही कहानी एक्चुअली एंगल्स में भी होती है, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये भी एंगल वन, ये भी एंगल टू और ये भी एंगल थ्री। तो अगर एक ट्राइंगल को बड़ा कर दिया जाए, इसकी साइड्स अगर ए बी और सी हों तो ये के ए के बी और के सी हो गई, तो क्या हमें विजिबल है कि जो साइड्स का रेशियो है वो अभी भी सेम है, जो ये रेशियो है वो वही है जो कि बी टू सी है, एंगल्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो अब जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, हमें दिखेगा यही सारी बातें हमें थ्योरम्स के फॉर्म में प्रेजेंटेड होती हैं, और हम लोग सरप्राइज होंगे कि ये वाली बातें कोई याद कराने की थोड़ी हैं, ये तो हमें देखते ऑलरेडी क्लियर थी, तो इनको बिल्कुल ऐसे समझ से याद रखना। वो एक कन्फ्यूजन कभी भी अपने मन में ना लाना, कई बच्चों को लगता है कि कॉन्ग्रुएंट भी तो सेम बात थी, तो क्लियर है कॉन्ग्रुएंट सेम बात नहीं थी, कॉन्ग्रुएंट था कि अब की बार एग्जैक्टली सेम, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या था, एग्जैक्टली सेम हो, साइज में भी कोई डिफरेंस ना हो, तो हमें समझ में आता है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, क्लियर है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस साइज का फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि साइज में भी फर्क ना हो, इसकी जगह दूसरे वाले का रख दो तो क्लियर है कोई चेंज ही नहीं आया, क्लियर है बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली द कॉपी, कोई चेंज नहीं, तो क्लियर है दोनों नामों में डिफरेंस याद रखना। तो अब एक लाइन सुनो, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें समझ में आता है कि वो सिमिलर हैं साथ साथ ही, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑटोमेटिकली सिमिलर ऑल्सो, वाई क्लियर है कि अब की बार बिल्कुल सेम ही है तो सिमिलर तो हुए ही हुए। लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं जैसे ये हैं, तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्लियर है, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होते, बिल्कुल सेम टू सेम होते, तो फिर सिमिलर तो है ही है, फिर तो क्लियर है एक जैसे है ही है, एंगल्स भी सेम है, रेशियो भी सेम आ रहा है, तो हमें समझ में आता है इस लाइन को बस ध्यान में रखना, ये हमें हेल्प करेगी। देखो जो अब जो सारी ये जो बातें करी वो क्लियर है कि बुक्स में आप लोग ऐसे लिखा हुआ देखोगे, तो क्लियर है कि हमें लिखा हुआ देख के लगता है कि कुछ बहुत तगड़ी डेफिनेशन है, कुछ हाई फाई सा कंसेप्ट है, पर नहीं है,
देखो हमें क्या बोला गया कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो हमें दिखी ये बात, इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन. मतलब साइड्स जो हों वो सेम रेशियो में हों, जो कि यहाँ पे है वही रेशियो यहाँ पे भी होना चाहिए. यही बात हमने एक फोर साइडेड पॉलीगॉन में भी फेस करी और थ्री साइडेड में भी. तो क्लियर है, इस बात को इन जर्नल ध्यान में रखना. और अगर सोच के देखो तो ये बात हमें बुक्स के थ्रू याद करवाने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें क्लियर ही होता है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, जब एक तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों वो इक्वल हों और साइड्स का जो प्रोपोर्शन आए वो दोनों में सेम आए. ये सब इस पूरे चैप्टर का बेसिस है, ये इस पूरे चैप्टर का बेस है. अब इसके बाद वाला पॉइंट देखना शुरू करते हैं. अब ये पॉइंट देखो, अब जो हमने अभी बात सुनी वहां से हमारे मन में ये विजन आना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्लियर है कब होंगे. एक तो ये कि जो उनके एंगल्स हों वो सेम हो, क्लियर है एंगल सेम हो. तो क्लियर एंगल सेम हो गए तो अपने आप एक्चुअली कहानी खत्म हो जाती है, फिर आगे क्लियर है किसी और ड्रामेटिक बात की जरूरत नहीं पड़ती. सेम हो और सेम ऑर्डर में एंगल सेम हो, साथ में देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो उनकी साइड्स का रेशियो वो भी सेम हो, जो कि ऑब्वियसली होगा. क्लियर है ए बी और सी है. इसी ट्राइंगल को अगर बड़ा करा गया तो साइड्स का रेशियो के ए के बी के सी हो जाएगा. इसी को तो बड़ा करा गया तो हर साइड को एक नंबर के से मान लो मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्लियर है वही ट्राइंगल सेम क्लियर है बड़ा हो गया, तो जो रेशियो आएगा वो अब सेम ही तो आएगा. तो ये बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें कॉमन सेंस से भी क्लियर है. तो क्लियर है बिल्कुल, देखो कितना बेसिक टॉपिक है, बस जब बुक्स में लिखा होता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स और कुछ स्पेशल बात करनी है तो देर इज़ नथिंग स्पेशल. बस ये पकड़ो कि अच्छा इसी ट्राइंगल को बड़ा करा गया तो ऑब्वियसली एंगल सेम होंगे, साथ में जो रेशियो आएगा साइड्स का वो भी सेम ही आएगा. अब ना इसी बात पे एक कंक्लूजन है, उसको भी ध्यान में रखना. वो कंक्लूजन ये है कि द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम. कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स होंगे जिनके एंगल्स आपस में बिल्कुल इक्वी एंगुलर हों, दोनों के जो एंगल्स हों वो सेम हों, वन टू थ्री, ये भी क्लियर है वन एंगल टू और एंगल थ्री, तो जो साइड्स का रेशियो आएगा ना वो सेम ही आएगा. तो हमें समझ में आता है कि हाँ सेम ही आना था, ये इसी एंगल को तो क्लियर है कि बड़ा करा गया. तो इसकी साइड अगर ए बी सी है तो उसकी के ए के बी के सी हो गई, तो रेशियो तो जो इसका इसका आएगा वो वही आएगा जो कि इसका और इसका रेशियो आएगा. तो अब ना सारे काम का सारी बातों का जो बेसिस है वो यही अंडरस्टैंडिंग है. अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे चलेंगे ना तो वील बी सरप्राइज कि कितनी बेसिक बात है. तो अब इस टॉपिक में जो पहला हमने फॉर्मल नाम करना है, जो थ्योरम सुननी है वो अब देखते हैं. क्लियर है, थ्योरम वोरम कुछ नहीं होता, बस क्या है कि किसी ने कभी कॉमन सेंस से एक बात ऑब्जर्व करी, वही बात क्लियर है वो हमें कन्वे कर रहे हैं, तो वो उसी बात को हम लोग समझेंगे भी कि एक्चुअली जो कॉमन सेंस अगले ने बनाई उसका बेसिस क्या है. तो क्लियर वो थ्योरम देखते हैं. अब जो नया पॉइंट है उसी पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर पहले वो पॉइंट समझो.